एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप व्यू टैब के अंतर्गत व्यूज ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना सीखेंगे। एमएस वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने की सुविधा देता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को 5 प्रकार से देख सकते हैं और चाहे तो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एमएस वर्ड में व्यू टैब पर क्लिक करें। व्यूज ब्लॉक में डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्टाइल्स में देखने से संबंधित कमांड्स होती हैं। इनकी सहायता से आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले ही उसे एमएस वर्ड में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट व्यूज उपलब्ध हैं। इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में ओपन होता है। जब भी हम एमएस वर्ड पर काम करते हैं तो प्रायः यही व्यू दिखाई देता है। जब भी आप ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट होकर के आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा तो प्रिंट लेआउट व्यू काम आता है। ये व्यू आपके डॉक्यूमेंट के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज नंबर इत्यादि को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है रीड मोड व्यू। रीड मोड ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के अनुसार पेज लेआउट में फिट हो जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, रीड मोड व्यू में डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये खास तौर पर तब काम आता है जब आपको कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ पढ़ना हो, मतलब आप उसमें कोई काम नहीं करना चाहते, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहते, केवल उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस व्यू का उपयोग कर सकते हैं। ये लेआउट रीडिंग लेआउट और रिव्यूइंग टूलबार के अलावा बाकी के टूलबार छुपा देता है। आपको आपके स्क्रीन पर पेज के रूप में ये डॉक्यूमेंट नजर आता है, जिससे कि आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके रीडिंग टूलबार को भी हाइड कर सकते हैं, और अगर आपको वो चाहिए तो वापस से यहाँ पर क्लिक कर दें। टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने के लिए आप इसके साइज को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस बढ़े हुए या घटे हुए साइज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आपको पेज बदलना है, आगे जाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे के पेजेस पर जा सकते हैं और पीछे आने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ क्लिक करें। यहाँ नीचे आपको कुछ और आइकन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से कि अभी हमने आपको इस स्लाइडर के बारे में बताया था, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके पास में ये जो 3 आइकन्स हैं, ये अलग अलग लेआउट के आइकन्स हैं, जिसमें से कि रीड मोड वाला जो लेआउट है वो अभी एक्टिव है, और यहाँ पर प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये 2 और लेआउट के आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इस लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, आप इसको रीड मोड से वापस से वेब लेआउट या फिर प्रिंट लेआउट में लाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दें। हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्यूमेंट वापस से प्रिंट लेआउट में आ गया है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है वेब लेआउट। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। जब आप कोई वेब लेआउट बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हों जिसे आप केवल अपने कंप्यूटर पर ही देखना चाहते हैं, तब आप इस व्यू का उपयोग कर सकते हैं। इस व्यू में साइड स्पेस यानी मार्जिन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट एक वेब पेज की तरह दिखाई देता है। अब हम देखते हैं अगला डॉक्यूमेंट व्यू, ये है आउटलाइन। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, मान लीजिए आर्टिकल है या इस तरह की कोई चीज है जिसमें बहुत सारी हेडिंग, सब हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल्स, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हो, तो अगर आप उसको एक नजर में देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं, तो आप इस व्यू का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने ये जो डॉक्यूमेंट लिया है, ये हमने टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर लिया है जिसमें कई सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उसके अंदर पॉइंट्स इत्यादि हैं,
ताकि हम आउटलाइन व्यू को अच्छी तरह से समझ सकें। अब हम आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। इस व्यू में पूरा डॉक्यूमेंट आउटलाइन की तरह दिखाई देता है और डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ्स लिस्ट की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अंदर भी कुछ और पॉइंट्स हैं, पर वो सब अभी आपको एक ही लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसको और बेहतर तरह से देखने के लिए इसके लेवल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और जैसे ही हमने इसके आगे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 2 लिखा हुआ है, यानी लेवल 2 पर यह हेडिंग है। अगर आप इसका लेवल चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको या तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाकर के लेवल 1 पर ला सकते हैं या फिर इस एरो से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। चूंकि ये लेवल 2 पर है तो प्रमोट होकर के ये लेवल 1 पर आ जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने लेवल 1 किया, ये पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग्स थी या जो भी पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब की सब लेवल 1 पर आ गया है। अब हम चाहते हैं कि जो सब हेडिंग है वो लेवल 2 पर हो, तो इस सब हेडिंग के वहां पर क्लिक करके हमने यहां से चुना लेवल 2, या फिर आप इसको इस एरो पर क्लिक करके डिमोट कर सकते हैं, तो ये 1 से नंबर 2 पर आ गया है। इसके नीचे इसके बारे में जो भी चीज लिखी हुई है वो टेक्स्ट आ गया है। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं, वो भी अभी इसी लेवल पर हैं। यहां पर हम क्लिक करके लेवल 4 चुन लेंगे। ये देखिए, ये लेवल 4 पर ये पॉइंट आ गया। इसके नीचे इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ गई है। ये वाला जो पॉइंट है ये लेवल 4 पर है। इसके अंदर फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं कि इनको हम लेवल 5 पर ले लें। ये इनको हमने लेवल 5 पर ले लिया है। अब इसके अंदर ये जो तीसरा पॉइंट है अडॉनमेंट, इसके अंदर फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम अब लेवल 6 पर ले जाना चाहते हैं, तो ये हम लेवल 6 पर इनको ले गए। इसी तरह से बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी हम लेवल्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पूरे डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे रख दिया है। जैसे ये लेवल 1 है जो कि मेन चैप्टर है, उसके अंदर फिर जो सब हेडिंग है उसको हमने लेवल 2 पे लिया है। इस तरह से इस पूरे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये अब किस तरह से नजर आ रहा है। अब अगर आपको किसी पॉइंट को ऊपर या नीचे करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड एरोज दे रखे हैं जिसकी मदद से आप इसको ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस लास्ट वाले पॉइंट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करके मूव अप पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए एक पॉइंट ऊपर आ गया है। जितनी बार आप इस पर क्लिक करते जाएंगे उतना ही ये हर बार ऊपर आता जाएगा। और अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हैं तो मूव डाउन पर क्लिक कर दीजिए, हर बार ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस के दो निशान दिख रहे हैं। प्लस है एक्सपांड करने के लिए और माइनस है कोलैप्स करने के लिए। यानी यहाँ पर जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें से अब ये जो बॉडी टेक्स्ट पूरा इतना आपको दिख रहा है ये आपको नहीं चाहिए, आपको केवल मेन पॉइंट्स देखने हैं, तो आप इस मैटर को हटा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इस लेवल पर हमने क्लिक किया और अब हम माइनस वाले निशान पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए कि जिन भी पॉइंट्स के अंदर बॉडी टेक्स्ट था वो बॉडी टेक्स्ट सब हट गया है और आपको केवल मेन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इसको आप फर्दर कोलैप्स करना चाहते हैं, यानी हर पॉइंट के अंदर भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको भी हटाना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर माइनस के निशान पर क्लिक करें। ये फर्दर कोलैप्स हो गया है, हर एक एक लेवल की चीजें हटती जाएंगी। और अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, एक एक लेवल की चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है शो लेवल। अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑल लेवल्स, इसके कारण हमको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, हर लेवल की चीज यहाँ पर नजर आ रही है।
अब अगर आप चाहें तो किस लेवल के पॉइंट्स आप देखना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने चुना लेवल 6, तो ये लेवल 6 तक जो भी चीजें हैं वो आपको पूरी नजर आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर लेवल 5 करेंगे तो आपको केवल 5 तक की चीजें नजर आएंगी, इसमें लेवल 6 पर जो पॉइंट्स थे वो हट गए हैं। अगर हम इसको लेवल 2 कर देते हैं तो ये देखिए केवल लेवल 2 तक की हेडिंग्स नजर आ रही हैं। और यहां अगर हमने लेवल 1 कर दिया तो आपको केवल पहले लेवल पे जो चीज होगी वो ही नजर आएगी। हम यहां वापस से ऑल लेवल्स ले रहे हैं। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहां पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो आप इसको डीसिलेक्ट कर दें। ये देखिए फॉर्मेटिंग हट गई है, हम इसे वापस सिलेक्ट कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर जैसे आपको बॉडी टेक्स्ट नजर आ रहा है पूरा, अगर आप चाहते हैं कि जहां पर भी एक लाइन से ज्यादा का मैटर है वहां पर वो सिंगल लाइन में दिखाई दे, तो आप शो फर्स्ट लाइन ओनली वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के नीचे काफी सारा टेक्स्ट था जो अब आपको केवल एक लाइन में नजर आ रहा है, उसकी पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है उसके अंदर भी जो टेक्स्ट है उसकी आपको पहली लाइन दिखाई दे रही है, और बाकी जो हैं वो तो केवल पॉइंट्स हैं, तो वो आपको सारे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट की आउटलाइन है, जिससे कि आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट के आगे प्लस या माइनस का निशान लगा हुआ है। जहां पर प्लस लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन के नीचे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इसी के अंदर हैं। अब जहां माइनस लगा है उसका मतलब ये है कि इसके अंदर फिर और कोई डिटेल नहीं है। अब हम आउटलाइन व्यू को क्लोज कर देते हैं, और अब यहां पर लास्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट व्यू, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये व्यू आपके डॉक्यूमेंट को सरल रूप देता है, और खास तौर पर अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी हो, क्विक एडिटिंग करनी हो, तो इसमें ये काफी आपके काम पर आता है। इसमें केवल आप टेक्स्ट देख सकते हैं, और इसमें कोई भी टेक्स्ट आप बड़ी आसानी से डाल सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये व्यू आपके डॉक्यूमेंट के कुछ दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज नंबर इत्यादि को प्रदर्शित नहीं करता है, खास तौर पर यह आपको टेक्स्ट बताता है, इसलिए इसमें एडिटिंग आसान हो जाती है। MS Word 2016 के इस अध्याय में व्यू टैब के अंतर्गत आज आपने व्यूज ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें।